तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट रिव्यूज़, ट्रेडिंग ऐप डेमोंस्ट्रेशन, स्टॉक मार्केट न्यूज़, ये सब हम कवर करते रहते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन कई बार हम जब अकाउंट ओपनिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रोकर को लेके, तो कई बार कुछ चैलेंजेस आते हैं, दिक्कतें आती हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐसा ही एक डीमैट अकाउंट प्रोसेस देखेंगे, पूरा EKYC करके देखेंगे। आपको मैं एग्जैक्ट डेमोंस्ट्रेशन दूंगा, इन केस कभी आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं, कहीं आप फंसते हैं, तो आपको पता होगा। आज हम बात करेंगे ग्लोब कैपिटल की, एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, देखेंगे किस तरीके का इसका EKYC प्रोसेस है, इनके साथ डीमैट अकाउंट खोलने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह से आप इस चीज़ को एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो ग्लोब कैपिटल दोस्तों एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, जैसे आपको बताया करीब 2 लाख टोटल क्लाइंट है इनके पास। अगर हम बात करें इनके ब्रोकरेज प्लान्स की, तो दे हैव मल्टीपल ब्रोकरेज प्लान्स। EKYC प्रोसेस जब आपके सामने करेंगे तब आपको बताएंगे कौन सा ब्रोकरेज प्लान आपको सूट करता है, किस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देख पाएंगे कि इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, IPO, म्यूचुअल फंड्स में आप अगर आपको पैसा लगाना है तो इस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप वंस यू डू दैट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ऐप में चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप ये है ग्लोब कैपिटल का होम पेज। इस पेज पे आना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। मैं एक बार एक नंबर दे रहा हूँ अपना। सबमिट पे टैप कर दीजिए। सबमिट पे टैप करते ही दोस्तों आपसे मोस्ट लाइकली ये OTP वेरिफिकेशन मांगेंगे। OTP डाल दीजिए दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है OTP डालना। प्रोसेसिंग आ गया। अब आपको इंट्रोड्यूसर कोड डालना है, अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया है, कोई एम्प्लॉई ने, तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज कंट्री पे टैप कीजिए। ऑप्शनल फील्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग करना। दोस्तों पता है कि आजकल इतना डिजिटाइजेशन ईजी कर दिया है लाइफ के, यू डोंट रियली हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, बस आपको अपनी कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो मैंने जैसे पैन कार्ड नंबर डाल दिया है अपना, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कितने साल के हैं पता लग जाएगा। मैं तो ब्लर कर दूंगा तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन ईयर, डेट, मंथ डाल दिया आपने और नेक्स्ट कर दिया, इनको पता लग गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। पैन नेम आ गया, इन्होंने एक तरीके से KYC के थ्रू पता कर लिया है। जेंडर, शादीशुदा है कि नहीं है, सिंगल है, मैरिड है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बता दीजिए, जो ITR फाइल करते हैं वो भी आपको बताना है। कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो बता दीजिए, इनकी हेल्प होगी। इंडिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितने पढ़े लिखे हैं आप यहाँ पे बता दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट बताना बेहतर रहेगा। देन आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट को ये लिंक करेंगे बाद में आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, जिसको आप चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन अभी के लिए बताना पड़ेगा। IFSC कोड डाल दिया दोस्तों, बैंक नेम आ गया, अकाउंट नंबर डालना है आपको, जो भी अकाउंट नंबर है आपका यहाँ पे आप पुट इन कर दीजिए। जैसे मैं डाल रहा हूँ, एक बार दोबारा डाल दीजिए, एक वैलिडेशन हो जाती है और ये आगे जाने भी नहीं देंगे आपको, तो आपको इन केस डालना ही पड़ेगा। सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो डाल दीजिए, नेक्स्ट पे टैप कर दीजिए। सिंपल ये पेनी ड्रॉप करके देखेंगे कि आपके अकाउंट है, तो यहाँ पे आपके अकाउंट में कुछ एक आधा रुपया आएगा। नेम इन बैंक, आपका नाम आ गया। प्रोसेसिंग पे चले गए। अब आपने कहाँ का इन्वेस्ट करना है, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड। मैं एज ऑफ नाउ इक्विटी सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन डेरिवेटिव कर देंगे तो आप FNO में एक्टिवेशन साथ के साथ हो जाएगी। तो अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे डेरिवेटिव पे टैप कर सकते हैं। NSDL या CDSL प्रोमो कोड है तो बता दीजिए। नेक्स्ट आएगा प्राइसिंग प्लान। अब प्राइसिंग प्लान में दोस्तों देखिए, 3 तरह के प्राइसिंग प्लान है। इन्होंने बताया भी है कि किस तरह का प्राइसिंग प्लान किसके लिए बेहतर है। फॉर एग्जांपल सेल्फ ट्रेड है, खुद से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट मुफ्त में मिलेगा। ब्रोकरेज 0.01% रहेगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट है, कैशलेस बाइंग यूजिंग मार्जिन, ये कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने रहेंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सेल्फ ट्रेड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डिजिटल RM मिलेगा, रिलेशनशिप मैनेजर मतलब है इसका, पहले 30 दिन के लिए कैशबैक अप टू 10,000 रुपीज़ है। कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ब्रोकरेज 0.01% तक जाएगा। डिजिटल RM जैसे कि नाम है वैसा ही काम है। 2 फ्री रिसर्च कंसल्टेशन मिलेंगी पहले 30 दिनों में, इसमें भी आपको कैशबैक 10,000 रुपये का वर्थ मिलेगा। सिमिलर है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और अकाउंट ओपनिंग शून्य, ब्रोकरेज शुरू होती है 0.025% से। प्राइम RM, प्राइम टाइप का आपको सर्विस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस टू रिसर्च, जितना मर्जी फ़ोन ईमेल करें। लाइफ टाइम डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर मिलेगा, जो आपके पोर्टफोलियो को ध्यान देगा, आपके एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे ब्रोकरेज थोड़ी सी ज़्यादा 0.05% हो जाएगी। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करके थोड़ा और डिटेल में व्यू डिटेल्स पे टैप करके अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ब्रोकरेज लेवरेज
सारी की सारी डिटेल्स, बाकी कुछ खर्चे भी आपको मिल जाएंगे, सिमिलरली इन व्यू डिटेल्स, ऑल ऑफ दैट. लेट्स से आई पिक अप द रेकमेंडेड वन विच इज़ डिजिटल एडवाइज़र. आप चाहें तो डिपेंडिंग ऑन प्लान प्राइम भी चूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे ऐसा चूज़ करके आई एम टैपिंग ऑन नेक्स्ट. यहाँ पे प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करना है, आपकी सेल्फी लेनी है, पैन कार्ड अपलोड करना है. मान लीजिए मैं पैन कार्ड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ऐड फाइल किया मैंने यहाँ पे, मेरे पास तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं. मैंने यहाँ पे पैन कार्ड पे क्लिक किया, डन कर दिया है, तो पैन कार्ड अपलोड हो गया. दूसरी चीज़ है कि मेरे को सिग्नेचर डालने हैं. मैंने अगेन, इन्होंने कहा है कि सिंपल फाइल पे सिग्नेचर कर दीजिए, ये तो सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए मैंने. सेल्फी अगर आपको अपनी पिक्चर लेनी है, कैमरा अलाउ कर दीजिए. मैं कंप्यूटर से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा पिक्चर अभी लेंगे, कैप्चर कर दिया है अभी मैंने अपना, तो अलाउ कर दीजिए. दिस लुक्स गुड. और मैं एक अपनी सेल्फी दे सकता हूँ. तो एक तरह से टाइम के साथ चलने वाला ब्रोकर लगता है. यू डोंट हैव टू, अपना जो पुरानी पिक्चर हुआ करती थी पासपोर्ट साइज़, वो डालने की ज़रूरत नहीं है. आप कूल सेल्फी भी डाल सकते हैं. कंटिन्यू पे टैप कीजिए, अपना ईमेल आईडी दे दीजिए. यहाँ पे भी ओटीपी वेरिफिकेशन होगा. मैं जैसे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ. फ़ोन उठाया मैंने और चेक करता हूँ क्या मुझे मेल आ गई है. लेट्स सी. साइन अप पे टैप किया, ईमेल वेरिफिकेशन मैंने कर दिया है सक्सेसफुली. नाउ आई एम गोना मूव ऑन एंड ई साइन मुझे करना है. कॉन्ग्रेचुलेशन स्टेटस आ गया है, ई साइन करूँगा मैं. NSDL के साथ ये वेरिफिकेशन करनी होती है. तो अभी ये आधार कार्ड OTP आएगा मेरे को. जनरली ब्राउजर सेटिंग में ये डिसअलाउ होता है. लोडिंग डिजियो के साथ इनका शायद इंटीग्रेशन है. प्रोसीड टू ई साइन. ये देखिए सारा डॉक्यूमेंटेशन मेरे सामने है. आई हेयर बाय सेंड OTP टैप करना है. मेरे दूसरे फ़ोन पे OTP आएगा, वो OTP मुझे फिर यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है. वेरीफाई OTP पे टैप करता हूँ एंड आई थिंक मोर और लेस मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा. जी हाँ, साइन सक्सेसफुली मेरे को दिख रहा है, साइन सक्सेसफुल मुझे दिख रहा है. तो दोस्तों, ई साइन प्रोसेस फॉर ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट विद ग्लोब कैपिटल इज कंप्लीटेड. वी विल गेट बैक टू यू सून. राइट टू अस एट EKYC फॉर एनी क्लैरिफिकेशन. तो दिस वॉज द होल प्रोसेस. इतनी सी बात थी, कितना का टाइम लगा, मुश्किल से मैं आपको समझा रहा था. अदरवाइज 5 या 6 मिनट लगने थे पूरा का प्रोसेस करने में. डॉक्यूमेंटेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए थोड़ा बहुत. वो इस वीडियो को अगर आप देख ही रहे हैं तो आपको पता ही लग चुकी होगी. अब देखिए, अकाउंट खोल लिया आपने तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. देखिए, अकाउंट ओपनिंग और AMC अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं. डीमैट अकाउंट ओपनिंग में सभी प्लान्स में प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 है. इनके पास 3 प्लान है. तो रेगुलर प्लान में 399 रुपये पर ईयर आपको लगता है, नहीं तो आप 999 रुपये देके 5 साल का AMC एक ही बार में दे सकते हैं, नहीं तो 1999 रुपये देके आप लाइफ टाइम AMC अकाउंट मेंटेनेंस से छुटकारा पा सकते हैं. ये ग्लोब कैपिटल की तरफ से प्रोपोजिशन है. इसके अलावा LIC के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास एक अलग से बेनिफिट मिलता है ग्लोब कैपिटल की तरफ से, वो भी बता देते हैं. ये बेनिफिट क्या है? फ्री AMC होती है थ्रू आउट. अगर आप LIC के एम्प्लॉय हैं, पॉलिसी होल्डर हैं या एजेंट हैं. LIC क्लाइंट्स के लिए भी 2 प्लान हैं. LIC 5 प्लान है एक. उसमें क्या होता है कि 5 साल के लिए AMC आपको नहीं देनी, जिनका ब्रोकरेज पूरे 1000 रुपये है पूरे साल में. तो जब से आपने एक्टिवेशन करवाया, अगर 1000 रुपया पर ईयर अगर आप ब्रोकरेज निकाल पा रहे हैं तो आपको AMC नहीं देना है. दूसरा है LIC 999 प्लान. इसमें क्या है? इसमें आपको 999 रुपये प्लस GST देना है और लाइफ टाइम आपका डीमैट अकाउंट फ्री हो जाएगा. आपको उसके अलावा कोई खर्चा नहीं देना. उसके अलावा रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स MTF फैसिलिटी, मतलब मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इफ़ यू ओपन योर अकाउंट, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उसमें आप पहले 30 दिन कोई ब्रोकरेज ही नहीं देना है. ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा पहले महीने के लिए. इफ़ यू ओपन योर अकाउंट थ्रू द लिंक दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आपकी रेफरेंस के लिए है, फ़ायदा है, उठा लीजिए, आपकी चॉइस है. अभी के लिए इतना ही. किसी और ब्रोकर की EKYC प्रोसेस के जो चैलेंज है या जर्नी समझनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. वी विल कम बैक विद द वीडियो. द आइडिया इज़ टू मेक श्योर कि आपकी लाइफ ईजी है, आपको मुश्किलात कम आए. अभी ग्लोब कैपिटल के इस EKYC प्रोसेस वीडियो में इतना ही. ऐसे और वीडियोज हम लेके आते रहेंगे. अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे. इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बाय बाय.